हे फ्रेंड्स, आपको क्या पता है कि दी केरल स्टोरी मूवी हम लोग को 99 रुपीज में देखने को मिलेगा, वो भी सिनेमा हॉल में, यानी थिएटर में हम लोग को सिर्फ 99 रुपीज में ये मूवी देखने को मिलेगा। मैं ये बात सुन के पहले विश्वास नहीं किया, पर इसके बारे में जब मैंने रिसर्च किया तब मुझे पता चला कि भाई एकदम सही न्यूज है। आप लोग अगर ये मूवी को इतना कम रुपए में देखना चाहते हो तो आपको पहले बुक माई शो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद उसमें जाके आप सर्च करना दी केरला स्टोरी, भाई वो मूवी आ जाएगा। उसके बाद आप बुकिंग कर लेना और ऑनलाइन पेमेंट कर देना, फिर आपका टिकट बुकिंग हो जाएगा। फिर आप किसी पास के एक सिनेमा हॉल में ये मूवी जाके सिर्फ 100 रुपए में देख सकते हो। और एक चीज, आप लोग ये मत सोचना कि भाई टिकट प्राइस इतना ज्यादा कम है इसका मतलब ये मूवी फ्लॉप हो गया है, भाई बहुत बड़ा सुपर हिट मूवी है। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, भाई ये मूवी का बजट है सिर्फ 15 से 20 करोड़, पर इस मूवी का जो कलेक्शन है वो भाई बहुत ही ज्यादा है, मतलब 290 करोड़ या मान सकते हो 300 करोड़ इस मूवी का टोटल कलेक्शन हुआ है। और आपको अगर 99 रुपीज में भी ये मूवी को नहीं देखना है तो भाई थोड़ा दिन वेट कर लो, ये मूवी OTT पर रिलीज होने वाला है। और कौन सा OTT प्लेटफॉर्म पता है? G5 पर। बहुत सारे लोग मेरे को बता रहे थे कि भाई ये नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगा, पर मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई इसका जो राइट्स है वो G5 ने खरीदा है। तो आपके पास अगर G5 का सब्सक्रिप्शन है तो ही आप ये मूवी को देख सकते हो, वरना नहीं देख सकते। वैसे मैं आप लोगों को एक सीक्रेट बता सकता हूँ कि भाई इंटरनेट में ऐसा बहुत सारा वेबसाइट आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा जिसमें से आप लोग ये मूवी फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। आप लोगों को अगर वो वेबसाइट्स का नाम जानना है तो मेरे को कमेंट करो, मैं कमेंट में आप लोगों को बता दूंगा। और आपको अगर ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो रेगुलर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास में जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसा ही वीडियो रेगुलर देखने को मिलता है जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। तो कर लेना यार, फ्री में ही तो है, इसमें आपका क्या जा रहा है, अपने भाई को भी थोड़ा सपोर्ट कर देना। तो चलो इसके बाद बात कर लेते हैं कि भाई इस मूवी का डायरेक्टर कौन है। तो इस मूवी का जो डायरेक्टर है वो है सुदीप्तो सेन, जो कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, और मैं भी वेस्ट बंगाल से ही बिलोंग करता हूँ। और मेरा बैड लक ये है कि भाई ये मूवी को मैं नहीं देख पाया। आपको अगर नहीं पता है, वेस्ट बंगाल में ये मूवी को बैन कर दिया गया है। किस लिए बैन किया है इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आपने अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो जरूर से जाके देख लेना, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मेरे चैनल पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और ये जो केरल स्टोरी मूवी है इसको IMDb में रेटिंग मिला है 7.4 out of 10, जो कि एक बहुत ही अच्छा रेटिंग माना जाता है। तो मैं आप लोगों को यही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आप अगर 99 रुपीज़ में ये मूवी सिनेमा हॉल में देख पा रहे हो तो भाई कोई मिस मत करना, भाई बहुत ही एक अच्छा और शानदार मूवी है। आप सभी लोग देखो कि भाई आपके पास में कौन सा सिनेमा हॉल है, उसमें ही जाके आप ये मूवी को देखो। तो चलो ये वीडियो के लिए इतना ही था, आपको अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना और ऐसा वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहना, खुश रहना।